हेलो फ्रेंड्स, आज देख लेते हैं बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स का पाउडर हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल सा बेसिक वेरिएशन दिखा रही हूँ आज। इसके लिए मैं ले रही हूँ काजू, बादाम और मूंगफली। लगभग आधे आधे कप 50-50 ग्राम ले लिए हैं। सबसे पहले मैं काजू और बादाम रोस्ट कर लेती हूँ। काजू बादाम को आप साथ में रोस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हल्का सा ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे हम, ताकि ये जले नहीं। ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भून देंगे तो उसका जो अंदर का नेचुरल ऑयल होता है वो बाहर आने लग जाता है, और फिर वो हल्के से कड़वी भी हो जाते हैं। और जब उसका ऑयल बाहर आ जाएगा तो वो बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं होंगे हमारे बच्चों को खिलाने के लिए। इसलिए हम बहुत ही हल्का हल्का धीमी आंच पे इसे रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हमारे काजू जो है वो हल्के से ब्राउन हो गए हैं, और बस इसके बाद से गैस की आंच से उतार लेंगे। फिर मैं भून लूँगी मूँगफली। तो मूँगफली को नॉर्मली हम जिस तरह से भूनते हैं, धीमी आंच पर हल्का सा रोस्ट हो जाए, उसके छिलके निकल आएँ और वो जो उसके दाने हैं वो आपस में टूटने लग जाएंगे, तो बस उस स्टेज तक भून लेंगे इसको हम। ये लीजिए, हमारी मूँगफली भी अच्छी तरह से रोस्ट होकर के तैयार हो गई है। अब इन तीनों चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे और मिक्सर में डालकर अलग अलग इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए आप ध्यान दें कि पूरा एक साथ ही ना पीस लें, मिक्सर में डालें, थोड़ा सा इसे चला करके दरदरा होने दें, उसके बाद मिक्सर को खोल लें, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो अपना ऑयल छोड़ने लगता है और फिर इस ड्राई फ्रूट पाउडर का टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। इस तरीके से कुछ इसका पाउडर बन करके तैयार हो जाता है। ये पाउडर हम किसी भी कांच के बर्तनों में लगभग महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बट कोशिश करें कि महीने से पहले ही ये ख़त्म हो जाए। अपने बच्चे को रोज़ आप डाइट में देंगे तो ये इतने दिन तक चलेगा ही नहीं। बहुत सारा पीस करके ना रखें एक साथ, छोटे छोटे बैचेस में पीस करके आप बार बार तैयार करके रख सकते हैं। बच्चों के लिए चीज़ें हैं तो फ्रेश बना करके खिलाएं, वो ज़्यादा हेल्दी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। चलिए, मैं आज वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अपने बच्चे का ख्याल रखें। बाय बाय।